दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि दोस्तों काउंटर कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कितने लोगों को मालूम नहीं रहता है कि काउंटर कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि काउंटर कैसे कटिंग किया जाता है। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों देर न करते हुए काम का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको मार्किंग मार देता हूँ। ये सभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों चारों तरफ से मैं बराबर ले लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको मार्किंग मार देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं मार्किंग मार देता हूँ। ये लाल पेंसिल है दोस्तों, इसे हम मार्किंग मार देते हैं। इसे दोस्तों मार्किंग मार दिए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ये जो ये है दोस्तों, ये पट्टी आप देख रहे हैं ये वाला, इससे मार्किंग से दोस्तों मैं 15 mm अंदर कटिंग कर दूंगा। दोस्तों 15 mm फिर अंदर मशीन से ही मार्किंग मार दूंगा, वो मार्किंग से और कटिंग कर लूंगा तो ये बराबर बैठ जाएगा। दोस्तों ये बराबर बैठ जाएगा तो अच्छा रहता है। कितने वो लोग को कटिंग नहीं कर पाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमें हमारा वीडियो नहीं देखते, आधा अधूरा देखते हैं दोस्तों, कटिंग कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मोटिवेट मैं भी हो जाता हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कोई नहीं देखता है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इतना ही बड़ा वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं कि काउंटर कटिंग हो चुका है। आपको हम लगा के भी बेसन लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये बैठ जा रहा है। देखिए दोस्तों थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके थोड़ा ढीला ही रहना चाहिए तो ये बैठ जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि दोस्तों वीडियो को कटिंग कर काट काट के देखते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं। तो मेरे को YouTube क्या करता है कि वीडियो को वहीं पे कमेंट नहीं करता है, आगे नहीं भेजता है दोस्तों, वहीं पे रोक देता है तो वीडियो वहीं पे रुक जाता है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अपना कीमती टाइम निकाल के दोस्तों प्लीज। और इतना ही कहूँगा दोस्तों, आप अच्छे काम कीजिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे, और तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।